तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की रुक जाना नहीं कि परीक्षाएं बहुत ही जल्दी आयोजित होने वाली है। खासकर ऐसे बच्चे जो कि फेल हो गए थे उनके लिए ये परीक्षाएं करवाई जाती है। और अगर आप लोग रुक जाना नहीं कि परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हो तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली बार रुक जाना नहीं की परीक्षा देंगे तो उनको इस बात का डर जरूर लग रहा होगा कि रुक जाना नहीं परीक्षा के पेपर किस प्रकार के आते हैं, क्या ये ज़्यादा कठिन होते हैं और इसमें हमें पास होने के लिए किस किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोग रुक जाना नहीं की परीक्षा देने से पहले अच्छे से तैयारी कर सकें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा क्या होती है और इसमें आप लोग किस प्रकार से पास कर सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि हर साल मध्य प्रदेश में लाखों विद्यार्थी फेल होते हैं और इसी वजह से उनका पूरा साल खराब हो जाता है। तो साल को खराब होने से बचाने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रुक जाना नहीं परीक्षा शुरू की गई थी, जो कि हर साल आयोजित करवाई जाती है। जब भी एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है उसके कुछ ही समय बाद यानी कि एक या दो महीने बाद रुक जाना नहीं की परीक्षा ली जाती है और उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपको पास मानकर अगले कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि रुक जाना नहीं की परीक्षा इस साल कब से आयोजित हो रही है और आपके पेपर कैसे आएंगे, क्या रुक जाना नहीं की परीक्षा देने से ही आप पास हो जाओगे या फिर इसमें किस प्रकार के बच्चों को पास किया जाता है। आपके सभी सवालों के जवाब आज मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो चलो जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा के पेपर किस प्रकार के आते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके जिस प्रकार के एमपी बोर्ड परीक्षा के पेपर आए थे उसी प्रकार के सभी पेपर आपके रुक जाना नहीं परीक्षा के पेपर आते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कक्षा 12वीं के पेपर सेम टू सेम आएंगे, कक्षा 10वीं के भी पेपर एमपी बोर्ड के पेपर की तरह ही आएंगे। जिस प्रकार से कक्षा 10वीं के पेपर 75 अंक के होते हैं उसी प्रकार से कक्षा 12वीं के पेपर भी आपके 80 अंक के होंगे, यानी सेम टू सेम रहेगा। इसमें पेपर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सिलेबस भी आपका वही पूछा जाएगा जो कि आपका एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब इसके बाद में आपके मन में ये संशय जरूर होगा कि अब हम कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें या फिर क्या ना पढ़ें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे रुक जाना नहीं की परीक्षाओं में तो अधिकतर बच्चे पास सभी हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप लोग कम से कम ये करें कि एमपी बोर्ड ने इस साल आपकी परीक्षाओं के पहले मॉडल सेट पेपर जारी किए थे जिसे हम अभ्यास प्रश्न पत्र कहते हैं, आपकी एक तरह से प्री बोर्ड परीक्षा के जैसे ही पेपर थे वो। तो अगर आपके पास में वो मौजूद है तो आप लोग दो दो सेट पेपर उनको लगा लो और एक सेट आप लोग ऐसा करो कि इस बार जो आपके एमपी बोर्ड परीक्षा के पेपर हुए थे इनको लगा लो। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आप लोग रुक जाना नहीं की परीक्षाओं में अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक सलाह और मैं आपको दूंगा। ये बात तो तय है कि आपने एमपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से नहीं लिखा होगा या कुछ आपकी गलती रही होगी या कुछ टीचरों की गलती रही होगी, उन्होंने कॉपी को सही से चेक नहीं किया होगा, इस वजह से आप लोग फेल हो गए। अब क्या आपको इस तरह से रुक जाना नहीं कि परीक्षाओं में करके आना है जिससे कि आप लोग पास हो जाओ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आप परीक्षा देने जाओगे ना तो आपको ये करना सबसे पहले कि आपका जो पेपर जितना आपसे बन पड़ता है उतना बिल्कुल आपको सही करके आना है, ठीक है ना। और इसके बाद में जितना पेपर आपका छूट रहा है आप तो ये करो जैसे भी आपको उनके उत्तर बन पड़े आपको लिख कर आना है, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है, कुछ भी कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा लिख कर आना है। अगर आपने कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा लिखा तो आपको बिल्कुल पास मान लिया जाएगा, ठीक है ना। आपके जितने भी विषय में रुक जाना नहीं की परीक्षा आप लोग दे रहे हो, 3 विषय की है या 4 विषय की है या फिर कक्षा 12वीं में 2 विषय की है या फिर 3 विषय की है, जितनी भी परीक्षा आप लोग देने वाले हो ना आपको मैं बस एक सलाह दूंगा कि कॉपी पूरी भर के आना। कॉपी अगर आप लोग पूरी भर के आओगे ना तो आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे। मगर देखो मैं ये आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि उल्टा सीधा जो कुछ भी आप लोग लिखना चाहो लिख दो। मगर देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अपने पेपर को 50% सही कर दिया तो 50% जो आपका पेपर बचा है उसको आप जैसे भी लिखो, जो भी आपसे बन पड़े लिखकर जरूर आपको आना है, ठीक है ना। आपको केवल ये करना है कि आपसे मान लेते हैं कि प्रश्न नंबर 13 आपको लिखना नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप लोग लिखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर और इसके बाद में जो आपसे बन पड़े वो पूरा का पूरा आप लोग लिख कर आओ। अगर आप लोग पूरी कॉपी भर के आओगे ना तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे रुक जाना नहीं की परीक्षाओं में। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, कॉपी खाली
खाली छोड़कर बिल्कुल भी मत आना। अब क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, तो देखो रुक जाना नहीं कि जो पेपर होते हैं ना बिल्कुल सरल आते हैं, ज़्यादा कठिन आपके पेपर नहीं होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा। वैसे मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा दूंगा रुक जाना नहीं की परीक्षा के लिए। या फिर आप लोग ये करो कि आप लोग एक तो पिछले साल के पेपर लगा लो, यानी कि वार्षिक परीक्षा के जो कि एमपी बोर्ड के हुए थे, और इसके अलावा आप लोग ये करो कि इस साल जो एमपी बोर्ड के परीक्षा के पेपर हुए थे 2024 के, उनको लगा लो, यानी कि उनके ऑब्जेक्टिव याद कर लो और उनमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको याद कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया ना तो आप लोग रुक जाना नहीं की परीक्षाओं में अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि अब आपके अंदर रुक जाना नहीं की परीक्षा को लेकर जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।